प्रिय आत्मन, मेरी क्रिसमस टू यू ऑल, वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल। आज अत्यंत हर्ष की बात है कि आज एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ, प्रभु ईसा मसीह जी। माने दुनिया में वो एक ऐसे महामानव का अवतरण हुआ जो दुनिया को प्रेम और शांति का संदेश पढ़ाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनको क्रूसीफाइड किया जा रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो गॉड एक्सक्यूज देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे भगवान, इन्हें माफ कर दो, ये क्या कर रहे हैं, इनको कुछ, ये अज्ञानी हैं, कुछ पता नहीं है। जिसको जिसके बॉडी में वो किट होके जा रहे हो, वो उस तरह की बात वो अपने कष्ट देने वालों को इस तरह से कहा। सचमुच में आज संसार में आवश्यकता इस बात की है कि हम ईसा मसीह के बताए रास्ते पर, लॉर्ड क्राइस्ट के बताए रास्ते पर चलें। आज दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, चारों तरफ वो गोले, चारों तरफ बमों की बौछार हो रही है, मानवता कराह रही है, चारों तरफ युद्ध का तांडव नृत्य हो रहा है। ऐसे समय में वो लॉर्ड क्राइस्ट के प्रेम और शांति और ये करुणा, इसका ज्यादा से अत्यधिक महत्व है। आज हमें वो केवल केक खाने से और ये कुछ जश्न मनाने से काम नहीं चलेगा। हमें सेंटा क्लॉज का कार्य भी करना चाहिए, हमें गरीबों का, दीन दुखियों का, जो नीडी है उनका मदद करना चाहिए, और बगैर जताए, ये जताना नहीं कि मैं तुमको तुम्हारा मदद किया कर रहा हूं। बिना कुछ वो सेंटा क्लॉज तो सबको जो भी वो लोग चाहते थे और चुपके से उनको वो प्रदान कर देते थे, चाहे वो जो जिस रूप में चाहे उसको, उस रूप में उन्होंने प्रदान किया। तो आवश्यकता इस बात की है कि ईसा मसीह के आदर्शों पर चलें, उनके जन्म दिन मनाने का, आज पूरा संसार, आज पूरे संसार में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस के गूंज से पूरा संसार गुंजायमान हो रहा है। लेकिन हमें इस बात का यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें गरीबों का, अपाहिजों का, दुखियों का, जो नीडी है उनका मदद करना है, और बिना जताए उन्हें ये जताना नहीं है कि हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं चले कि उनका मदद कौन कर रहा है, तभी सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहन करके और वो जो जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, वो तभी वो साकार होगा, तभी वो सार्थक माना जाएगा। आज संसार वो चारों तरफ मार काट और युद्ध का माहौल बना है। ऐसे में तो लॉर्ड क्राइस्ट के उपदेशों का और प्रेम और शांति का जो उन्होंने वो उपदेश दिया और पूरे संसार को शांति का पाठ पढ़ाया, प्रेम का पाठ पढ़ाया, आज उसकी अत्यंत और भी प्रासंगिकता उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। क्योंकि संसार में आज मानवता पापता और संताप से कराह रही है। चारों तरफ कैसे लोहे पर धार धरें, कैसे लोहे की मार करें, मानव दानों पर किस प्रकार आपस में घोर प्रहार करें, आज ये जो चल रहा है इसको बंद करना है। हमें वहां ये करना है, सिर से समझाना सूखना, आपसी व्यवहार और दौड़ना, रहरा उठा उन्माद की तलवार। हमें भाईचारा, सौहार्द, फ्रेटर्निटी, ह्यूमैनिटी, बेनेवलेंसी और इन चीजों को जन जन में फैलाना है कि संसार में इसको, तभी वो लॉर्ड क्राइस्ट के वो जन्मदिन का जो हम लोग मना रहे हैं, खाली केक, हम केक खा, वो तरह तरह के केक खाएं, तरह तरह के जश्न मनाएं, ये, लेकिन इसके साथ ये भी देखें कि हमारे आसपास पड़ोस इस संसार में और भी लोग हैं जो हम, जिनको हमारी आवश्यकता है, अब उनको अपना हम हेल्पिंग हैंड उनके तरफ आगे बढ़ाएं, और उन दुखियों को, उन जो अपाहिजों को, नीडी जो लोग हैं, जो कराह रहे हैं, जिनको भोजन की आवश्यकता है, जिनको वस्त्र की आवश्यकता है, जिनको आवास की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में प्रयास करें, न कि वो गोले बरसाए जाएं और शहरों को बर्बाद किया जाए। हमें अब दोबारा वो हिरोशिमा और नागासाकी दुनिया में नहीं, अब वो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे वो विकसित शहर को बम्बार्डिंग से बर्बाद किया गया, ये सब युद्ध का माहौल बंद होना चाहिए। और संसार में अगर सचमुच में वो ईसा मसीह के आदर्शों को हम जब
वो पालन करेंगे तो युद्ध अपने आप बंद हो जाएगा, चारों तरफ शांति और अमन प्रेम का वातावरण होगा। और प्रेम सर्वोपरि है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, भगवान भी प्रेम के ही भूखे हैं, भगवान को प्रेम ही प्यारा है, भगवान को हम प्रेम से जीत सकते हैं। और वो हम वो मेवा मलाई और इस सबके द्वारा भगवान को नहीं जीत सकते हैं। भगवान को सबसे बड़ी सेवा तो यह है कि जो मानवता की सेवा करना, दिन दुखियों की सेवा करना, अपाहिजों की सेवा करना और संसार में चारों तरफ ये जो मार काट है इसको जितना भी जल्दी हो उसको बंद किया जाए। युद्ध के संसार में आज चारों तरफ जो युद्ध का माहौल है उसको एकदम पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना जरूरी है, कहीं युद्ध का कोई नाम न हो। आज विश्व के प्रांगण में विध्वंस नाचता, निर्माणों का वेग टूटता जाता है, संहारों के चक्रव्यूह का धुआं मिसैला आशाओं के छिटों पर मजाता है। लेकिन भारत में विश्व में एक बार वसुधैव कुटुंबकम की धारा फैलाना है। तो आज हमको ईसा मसीह से ये शिक्षा लेनी है। दुनिया में बहुत से महापुरुष हुए, उन महापुरुषों में लॉर्ड क्राइस्ट का सर्वोच्च स्थान है, जिन्होंने संसार को प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने तरफ से उनको सत सत प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यही कहूँगा कि लॉर्ड क्राइस्ट के आदर्शों पर चलकर ही हम वो विकसित राष्ट्र और विकसित विश्व और विश्व कल्याण की बात कर सकते हैं। धन्यवाद।